दादी जय श्री श्याम। सिलीगुड़ी में माँ ब्रह्माणी माँ पल्लू माँ के कीर्तन के माँ के दरबार में आके बहुत ही आनंद। आपका नाम? भवनलाल थोरी। इस प्रोग्राम के हमारे चतुर्थ प्रोग्राम के हम प्रियंका बाकर प्रोमन मानगढ़ से। कहाँ से आए? जय माता दी की। हम लोग मानगढ़ से। परिवार और सिलीगुड़ी में हमको तो बहुत बढ़िया खुशी हुई आने से। किस किस के साथ आप आए? हम विराटनगर परिवार कम से कम 13-14 लोग। हमें सालों से रहता है, एक साल कब आएगा। और दिल्ली से आया हूँ, ये हमारे कुलदेवी है। यहाँ आके जो उम्मीद नहीं की थी उससे ज़्यादा आनंद आया। और जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया उस टाइम से आ रहा हूँ यहाँ। मेरा प्रोग्राम मेरे आशिक रहे, इन लोगों ने सबने बहुत भैया कितना ज्वली है, सबसे कितना हंस हंस के बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, प्यार से जैसे जो जैसे उनको इतने प्यार। चतुर्थ वार्षिक उत्सव सम्पन्न हुआ, बड़े हर्षोल्लास के साथ में हमने उत्सव मनाया और बाहर से बहुत आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। मेरे साथ मेरे सहयोगी भाई मनोज जी हैं। और आपको बता दें आज पल्लू वाली ब्राह्मणी पल्लू वाली माता का सिलीगुड़ी भक्त मंडल का यहाँ पे भजन संध्या है और आज ये भजन संध्या का समाप्ति है। तो आइए अंदर चल के प्रवेश करके हम चीज़ों को देख के विस्तार से समझते हैं। जैसे कि पहला दिन कलश यात्रा, मंगल पाठ और आज भजन संध्या का समाप्ति है ये। तो माता रानी आप सभी पे ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखें और जुड़े रहें। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही किसी अपडेट्स के साथ में। प्रेम से बोलिए जय माता दी। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह के रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलघाट रोड सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। चतुर्थ वार्षिक उत्सव सम्पन्न हुआ, बड़े हर्षोल्लास के साथ में हमने उत्सव मनाया और बाहर से बहुत सारे कलाकार आए। उन्होंने बहुत आनंद लिया माता का। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे कार्यक्रम में आए। दिल्ली से भी बहुत सारे भक्त आए, बॉम्बई से भक्त आए, साथ में पल्लू धाम से हमारे पुजारी जी गोवर्धन जी और प्रभु सिंह जी दोनों जन आए। उनका सानिध्य हम लोग को भरपूर मिला। साथ ही यहाँ पे लोकल में इतने भक्त आए हैं, इतना आनंद लिए हैं उन्होंने इस कार्यक्रम का। हमें करने के बाद में हम लग रहा है बोलो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। अब आप सबका बहुत ही धन्यवाद, आप लोग इस कार्यक्रम में आए। और इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे गायक कलाकार जो आए थे यहाँ से, अपने कलकत्ता से श्वेता कौशिक जी आई थी, पानीपत से आए थे हमारे पास, सोनीपत से आए थे पुनीत जी राठी, आशीष जी देसवाल चंडीगढ़ से आए, उनका मधुर भजनों से हमारा मन मोह लिया। साथ ही अपना जो कार्यक्रम हुआ था मंगल पाठ में अभिषेक जी मिश्रा और दया शर्मा, उन्होंने इतनी समा बांधी और हमारा जो कार्यक्रम है उसमें चार चांद लगा दिया। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ ये ग्लोबली न्यूज इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाई, इसमें पंकज जी का विशेष सहयोग हमारे रहा। इन्होंने शुरू से 6 तारीख पूरा शोभा यात्रा का कवरेज किया, उसके बाद में माता का कार्यक्रम कवरेज किया और पूरा का पूरा प्रोग्राम आप सब तक पहुंचाया। इसके लिए पंकज जी को, द ग्लोबली न्यूज को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मेरे जो भी इस कार्यक्रम को सक्सेस करने के लिए पल्लू माता परिवार के कार्यक्रम संयोजक राधेश्याम जी मित्तल और भवनलाल जी थोरी और साथ में और भी बहुत सारे, एक जन दो जन का नाम लेना अच्छा नहीं रहेगा, पूरा मंडल जिस उत्साह और उद्दीपना के साथ में ये चतुर्थ वार्षिक उत्सव संपन्न किया उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
सिलीगुड़ी में माँ ब्रह्माणी माँ पल्लू माँ के कीर्तन के माँ के दरबार में आके बहुत ही आनंद आया। और यहाँ के जितने भी माँ के प्रेमी हैं, जितने भी माँ के बच्चे हैं, सभी अपनी माँ के कीर्तन में मगन होके इतने झूमे हैं। और मेरी माँ को भी मुझे लगा कि मैंने रिझाया है मेरी माँ को, और मेरी माँ बिल्कुल रिझी होंगी बचपन से। द ग्लोबली न्यूज़ चैनल, इनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। इन्होंने शुरू से अंत तक हम सबका साथ निभाया, और आशा करूँगी ऐसे ही हर बार आप साथ निभाते रहें। हमारे पूरे टीम की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम सब की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आइए अब हमारे बीच, हाँ जी स्वागत है आपका। तो क्या कहना चाहेंगे आज के दिवस पे? इस दिवस का हमें पूरा साल भर इंतज़ार रहता है, और जो खुशी यहाँ मिल रही है हम लोग को, पता ही नहीं चल रहा कौन किसका क्या है। सब एकजुट होके इतना मस्ती से मस्ती कर रहे हैं ना कि हम लोग बोल नहीं सकते। आपको जवाब नहीं है इस चीज़ का, हमारे पास शब्दों में बयान नहीं कर पाते। आपका नाम? संगीता सोनी। ऐसे समय में आप क्या संदेश देंगे समाज को? जय माता दी। जय माता दी। ये जो माता ब्रह्माणी का प्रोग्राम है, हम लोग एक साल पूरा इंतजार करते हैं कब जनवरी महीना आए और कब हम लोग प्रोग्राम करें। और महीने महीने दो महीने पहले हम लोग सब तैयारी में लग जाते हैं, और माँ का प्रोग्राम करके इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है, शायद ही कहीं ये मज़ा लूटने को मिलेगा। हम लोग इतने खुश है, हम लोग इतने खुश नसीब है, हम लोग की माँ मिल गई, माँ मिल गई, माँ मिल गई, माँ से बड़ी और कुछ भी कुछ नहीं है। जय माता। जय माता। आप सबके चेहरों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी आपका दिल माने मोर, इच्छा कर रहा है कि शायद ये प्रोग्राम और भी दो चार दस दिनों का हो, क्या यही ख्याल है ना? तो ये तभी पता चलेगा कि जब आप जोर से जयकारा मनाएंगे। तो प्रेम से बोलिए माँ महारानी की जय, पल्लू वाली माता की जय, माँ शेरा वाली की जय, माँ जगदम्बा। और जैसे माँ ब्रह्माणी का इस सिलीगुड़ी में डंका बज रहा है, मैं ये चाहूंगी कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे माँ का डंका बजे। अनीता शर्मा। परिचय देकर के बताइए आप कहाँ से आए हैं और कैसा लगा आपको इस भक्त मंडल में शामिल होकर? हमको बहुत बढ़िया लगा, मैया का दरबार और सिलीगुड़ी में हमको तो बहुत बढ़िया खुशी हुई आने से। हम वैसे तो हम राजस्थान से नौर से हैं, वैसे हम लोग नेपाल से, नेपाल में रहते हैं, काठमांडू में रहते हैं। हम चार भाई आए हैं माँ ब्रह्माणी परिवार से, काठमांडू से। ये प्रेम जी है, वे गोपी जी है, एक मावर है सानुमल जी है, चार आए हैं। तो सिलीगुड़ी हम फर्स्ट बार आए हैं। माँ का प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगा। बोलो शेरावाली मैया की जय, बोलो पिनकोड की जय। ऐसे ऐसे समय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को, देश को? समाज को बहुत बढ़िया चीज़ है, भक्ति मार्ग में जुड़े रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे, अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताइए। मैं दीवावाली पल्लू माता परिवार का एक सदस्य हूँ, और हमारा ये चतुर्थ प्रोग्राम था, बहुत ही भव्य प्रोग्राम हुआ। इसमें हमारे ऑल इंडिया से हमारे पल्लू माता के भक्त आए, और सबका और आप लोगों का सहयोग रहा। द ग्लोबल न्यूज़ का बहुत बढ़िया सपोर्ट था, फुल कवरेज दिया, इसके लिए द ग्लोबल न्यूज़ का हम लोग हृदय से आभारी है। बोलो पल्लू मैया की। हर साल ऐसे प्रोग्राम होते रहे। जय माता जी। आप अकेले आए हैं कि अपने बच्चों के साथ? मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आए, लेकिन बहुत आनंद है। हस्बैंड जी का जय बड़े। स्वागत है आपका। थैंक यू जी, बहुत बहुत आपका जी। तो कृपया करके हमारे दर्शकों को बताइए आपको कैसा लगा यहाँ पे ये ब्राह्मणी माता के, ये जो सिलीगुड़ी भक्त मंडल है जी, ये इसमें शरीफ होकर के कैसा लगा? बहुत 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 आनंद आया है, इसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता, शब्दों में मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए। मैं पूरे सिलीगुड़ी परिवार का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पे उन्होंने बुलाया, निमंत्रण दिया और बड़ा मान सम्मान दिया हमें। यहाँ पे आके बहुत खुशी मिली। तो आगे भी आने की बिल्कुल चेष्टा करेंगे जी, आगे मई बुलाएगी, सिलीगुड़ी परिवार बुलाएगा, बिल्कुल आएंगे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव बाकर जी, हनुमानगढ़ राजस्थान से। धन्यवाद। मैं दिनेश खेमका दिल्ली से आया हूँ, ये हमारे कुलदेवी है। यहाँ आके जो उम्मीद नहीं की थी उससे ज़्यादा आनंद आया, और जो हर्ष यहाँ मिला और जितना हम नाचे हैं यहाँ पे,
मतलब अक्सर अगर इतना नाचते हैं तो पैर दर्द करने लग जाते, लेकिन आज मैया ने ऐसी शक्ति दी है कि ये फीलिंग भी नहीं हो रही कि भाई थकावट कहाँ है, ये पता भी नहीं है। न भूख का पता है, न नींद का पता है, और न थकावट का पता है। आप कितने जनों के साथ आए, अकेले या परिवार के या बाकी सदस्यों के साथ? जी, मैं अकेला आया। जय माता दी। जय माता, जय माता दी। आपका नाम? राकेश सिरसले वाला। कैसा लगा आपको, एक बार अपने शब्दों से बताइए। बहुत अच्छा लगा शब्दों से, दिनेश जी ने जो बताया उसमें जाके आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो आपके मुंबई में इस तरह का प्रोग्राम होता है? नहीं, मैया का नहीं हो रहा है जी, लेकिन जी। ये सब प्रोग्राम देखे हमें प्रेरणा मिल रही है कि वहाँ भी हम करें। जी जी, अब फिलहाल तो अभी नहीं हो रहा है जी। तो ये आप फर्स्ट टाइम आए थे क्या सिलीगुड़ी? सिलीगुड़ी फर्स्ट टाइम जी जी। आगे अगर ये हमारा ब्राह्मणी माता की पल्लू वाले सिलीगुड़ी भक्त मंडल फिर से निमंत्रण करता है तो क्या आपका? ये तो हमारा सौभाग्य होगा आदि का, ये सब मौका मिले तो हम तो बार बार आएंगे। तो एक बार प्रेम से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जय माता दी। आपका पहचान बन गया भैया, हम लोग 2 साल से आपको भूलेंगे नहीं। बस आशीर्वाद दीजिए ना, हमारे पूरे टीम को। आपका चेहरा भी बहुत हंसमुख है ना, आप सबसे बहुत सुंदर शूट करें तब तक पॉसिबल नहीं है। और आपने अपने इस चैनल को दिया है, क्योंकि हम लोग ना मतलब चैनल को नहीं जानते थे, आपको देख के हंसने लगते थे कि भैया कितना जॉली है, सबसे कितना हंस हंस के बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, प्यार से जैसे जो जैसे होता है उनको इतने प्यार प्यार से क्वेश्चन पूछते हैं, हमें भी मन करता है कि अच्छे अच्छे जवाब लगते हैं। मतलब हर को आप खुश कर रहे हैं, हर मतलब भूलेंगे आपको, आप हर साल मिलना आना। बस आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं सब कुछ एकदम एकदम हमारी पल्लू वाली माता पूरा आशीर्वाद दिल खोल के देती है, और उनका आशीर्वाद पूरा लगता है, पूरा है। हमारी पल्लू परिवार से आपकी भगवान टीम की माता रानी आपकी भी पूरी करें, कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि जय माता दी। एक बार आप अपना नाम बता दीजिए। संगीता कुलतिया। आप? रेखा नाथानी। सीमा नाथानी। हाँ बढ़िया। आपका स्वागत है, आपका क्या नाम है? राकेश्वर गोयल, विराटनगर से। विराटनगर से जी। कैसा लगा आपको ये ब्राह्मणी माता के दरबार में सिलीगुड़ी भक्त मंडल में शामिल होकर? कैसा लगा इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि माँ के दरबार पे आए हैं, और माँ के दरबार पे आके ऐसा लगता है हमको स्वर्ग मिल गए हैं। शब्द नहीं है इस सिलीगुड़ी भक्त मंडल का शुक्रिया करें, शब्द नहीं है। बहुत बहुत आभार हूँ कि सिलीगुड़ी आने का मौका मिला, और माँ ब्रह्मानी के चरण में शीश नवाने का मौका मिला। किस किस के साथ आ पाए? हम विराटनगर परिवार कम से कम 13-14 लोग हैं। आपके परिवार से और कौन कौन है? मैं, मेरी वाइफ, मेरी दीदी, मेरी भांजी, मेरे भांजा, और अपने परिवार से अपने दिलीप सोनी जी, उनकी मिसेज, मेरे पोता है प्रमोद गोयल, उनकी वाइफ, उनके बच्चे। एक बार माता रानी का जयकारा हो जाए। बोल ब्रह्मानी माता की जय। जय पल्लू वाली माता की जय। पल्लू वाली की जय। आपका नाम? मेरा नाम दीक्षा अग्रवाल। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे समय में? बस इसी तरह का प्रोग्राम होते रहे, और हम सबको मैया रानी बुलाती रहे, बस मैं कहना चाहूँगी बस। जय माता माता की जय माता, अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता जय माता।